पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं बल्कि गिरोह है, ये गैंग टाइप काम करती है और कुछ भी करा सकती है। चंडीगढ़ की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश बोले कि वहां जिस तरह वोट की लूट हुई सभी ने देखी है, जैसा चंडीगढ़ में हुआ है ऐसे वोट की लूट कहीं नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जिस तरह की बातें हमने देखी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है, क्या भाजपा वोट को नहीं लूट रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये एक गैंग टाइप बनकर काम कर रही है। समय समय पर हमने देखा है कि भाजपा दल नहीं बल्कि एक गिरोह है, ये अधिकारी से वोट की लूट करवा सकते हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। ये तो बातें हो गई महत्वपूर्ण और गठबंधन होगा और बहुत जल्दी आपके मुरादाबाद को क्या मिलेगा। मुरादाबाद किधर जा रहा है, थोड़ा बताइए। हम मुरादाबाद में, जहां मुरादाबाद है वही मुरादाबाद रहेगा। सीट शेयरिंग को लेकर सर कांग्रेस का, सीट शेयरिंग में कोई बात नहीं है, जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हो चुकी है पूरी। गाजीपुर से कल रायबरेली में इंडियन पत्रकार के साथ राहुल गांधी जी ने इसके बारे में क्या बताया। मुझे जानकारी मिली और आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है के एक पत्रकार साथी के साथ। अरे मुरादाबाद वाले, आप लोग क्यों सवाल पूछते हुए, एक बार तो हमारे साथ भी हंगामा किया था आपने, FIR तक बात पहुंच गई थी तो अब उनसे दोस्त कोई बात हुई होगी तो उसको संभाला जाएगा और पत्रकार का पूरा सम्मान किया जाएगा। अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही करते हैं। सीट शेयरिंग पे भी कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग पूरी अच्छी तरह हो गई। अभी आपको जब प्रेस करेंगे दोनों पार्टी के नेता तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अरे ओ, इसका नहीं पता है। सत्रह तक पहुंचने में क्या नहीं हुआ होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।